आज के वीडियो में बच्चे uh, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है सो आई एम शेयरिंग माई स्लाइड विथ यू ऑल हाँ ये सो आज के वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम बन पढ़ेंगे तो uh, इस वीडियो से मेरा मोटिव यही रहेगा कि आफ्टर दिस वीडियो या ये वीडियो को देखने के बाद बच्चे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए ठीक है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाकी पढ़ाई तो हो जाएगा ठीक है सो कंसेप्ट पे हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे सो वेन वो वी टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली वॉट आर दे राइट एक्चुअली वॉट आर दे ये सब क्या है ऑर्गन सिस्टम्स है ठीक है तो अब ऑर्गन सिस्टम सिस्टम बेसिकली ऑर्गन से बना हुआ सिस्टम है ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना हुआ एक सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर काम करता है जैसे अगर मैं बोलूँ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है आ, वो बेसिकली काम करता है फूड को डाइजेस्ट करने का तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड इट एंड एट आवर एनस है कि नहीं मतलब इतना एक लॉन्ग पाइप सारे मिलके एक काम करते हैं ठीक है और सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली बच्चों को लगता है सर्कुलेटरी सिस्टम बना ही कैसे है एक ही ऑर्गन से बना है हार्ट से बना है लेकिन उसको हम सिस्टम क्यों बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा ठीक है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बना है हार्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है एंड सेकेंड इज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ठीक है ब्लड वेसल्स ये याद होना चाहिए ठीक है और तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम दे आर मेड अप ऑफ हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड ओके इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट दैट इज हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड जब हम हार्ट की बा, बात करते हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही आज के क्लास में लेकिन मैं आपको जिस्ट दे दू ब्लड वेसल्स और ब्लड के भी ठीक है तो क्योंकि अगर आप ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या है वो ही आप नहीं समझ रहे हो तो हार्ट को बस पढ़ के क्या फायदा हार्ट को तो बस आप रट रहे हो समझ नहीं रहे हो ठीक है मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मेरे बच्चे लाइक पढ़ रहे हैं तो वो रटे ना वो कंसेप्ट को जाने ठीक है कंसेप्ट जानोगे तो आपको कुछ भी याद हो जाएगा ठीक है नाउ कमिंग टू ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स आर फर्स्ट वन इज आर्टरी ठीक है नेक्स्ट इज वीन एंड अनदर इज कैपिलरी ठीक है सो ये तीन टाइप के ब्लड वेसल्स हमें बेसिकली मिलते हैं ठीक है आर्टरीज का काम क्या है आर्टरी या आर्टरीज का काम क्या है आर्टरीज का काम है कि टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ठीक है कैरी द ब्लड लिखते हैं बच्चों सबको ये नोट्स बनाओ ठीक है कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ठीक है कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट यहां पर अच्छे से नहीं लिख रहा होगा मैं यहां पर लिख रही हूं ठीक है आर्ट्रीज का सब कोई लिखो कैरी इज द ब्लड अवे फॉम द हार्ट ठीक है अ वेन्स का लिखो कैरी इज द ब्लड ठीक है द ब्लड टूअर्ड्स द हार्ट टूअर्ड्स द हार्ट इसका लॉजिक में बता रही हूँ बच्चों इसको भी रटना नहीं है लॉजिक सुनो ठीक है जो ब्लड वेसल्स ब्लड को ठीक है हार्ट से बाहर ले जा रहा है ठीक है हार्ट है हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है मतलब तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है हम हमारा बॉडी पूरा स्किन से सांस नहीं ले पाता तो बेसिकली क्या करता है वो हार्ट के हेल्प से ब्लड में डिजोल्व हुआ ऑक्सीजन को पूरा बॉडी तक वो पहुंचाता है, है कि नहीं तो इसीलिए जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर निकल रहे हैं वो हमेशा ऑक्सीजन कैरी करता है मतलब आर्टरीज़ दे कैरीज़ ऑक्सीजन ठीक है एंड दूसरा जो ब्लड वेसल्स ठीक है ब्लड को हार्ट के तरफ ले आ रहा है थ्रू आउट आवर बॉडी से पूरे बॉडी के जो ब्लड है ठीक है उसको वापस हार्ट के तरफ ले आ रहा है मतलब वो ब्लड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करने के लिए ऑक्सीजिनेटेड करने के लिए वो फिर वापस हार्ट में लेके आ रहा है एक तो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जाएगा पूरा बॉडी में दूसरा पूरे बॉडी से डीऑक्सीजिनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड आएगा वापस हार्ट में राइट तो जो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी से ब्लड ला रहे हैं वापस हार्ट में उसको हम बोलते हैं वो उसको हम बोलते हैं वेन्स और वो कैरी करता है डी ठीक 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 है? 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 रीज जो कैपीलेरीज है ना बच्चा कैपिलेरीज दे आर दिन ब्लड वेसल्स ठीक है ये भी लिखो ये भी लिखो कैपीलेज आर द थीन लियर ब्लड वेसल्स okay capillaries layered blood vessels from where the diffusion ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस तो हम सब्सटेंसेस की जब बात करते हैं ठीक है सब्सटेंसेस मतलब क्या है जो भी ब्लड में डिजॉल्व हुआ है जैसे प्रोटीन्स हुआ ठीक है सॉल्स हुआ हॉर्मोन्स हुआ ये सब क्या है ये सब ब्लड के थ्रू क्या होते हैं ट्रेवल होते हैं और कैपिलरीज में आके ये डिफ्यूज होते हैं और हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं ठीक है अंडरस्टूड एव सब कोई को ये फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरीज है ठीक है और ये वेन्स है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं एक छोटा वाला ब्लड वेसल्स बनाते हैं तो इस जगह में क्या होगा कि जो आर्टरी से जो भी ऑक्सीजन आ रहा है जो भी न्यूट्रिएंट आ रहा है जो भी प्रोटीन आ रहा है सब कुछ क्या होगा हमारे बॉडी के सेल है इधर उनमें डिफ्यूज हो जाएगा और हमारे सेल से या टिश्यू से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से फिर इनमें डिफ्यूज हो जाएगा तो ये देखो बच्चे फॉर एग्जाम्पल दीस आर आर्ट्रीज ओके ये मेरा ये जो मेरा हाथ है ये आर्टरी है और दूसरा वाला हाथ है वो मेरा वेन है ठीक है तो बीच में अगर ये दोनों आके ऐसे फटने लगे छोटे 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 वेसल्स में तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों में से जो चीज बाहर नहीं निकल पा रहे थे वो इस पॉइंट में आके वो बाहर निकलेंगे ऊज आउट हो जाएंगे yes. वही है आर्टरीज और वेन्स के बीच में जहां से जो भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस है ब्लड में वो हमारे सेल या टिश्यू तक पहुंचते हैं और जो हमारे सेल या टिश्यूज में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड सॉरी हाँ वो हमारे ब्लड तक पहुंचते हैं ठीक है यही बात है नाउ कमिंग टू ब्लड तो ब्लड क्या है ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है फ्ल्यूड कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है जो कनेक्टिव ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लो करता है ठीक है? मतलब है? है, है. है है कनेक्टिव मतलब क्या ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जैसे ब्लड है ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है कि नहीं क्योंकि जो अगर मैं मेडिसिन ले रही हूँ मुझे कोई बीमारी है इसीलिए राइट right? मुझे हेड है लेकिन मैं मुंह से मेडिसिन ले रही हूँ तो वो मेरे हेड में कैसे काम कर रहा है क्योंकि वो जो मेडिसन है वो मेरे ब्लड में जाएगा ब्लड में ब्लड के थ्रू वो सारे बॉडी में जाएगा और जहां पे उसको काम करना है टारगेट जगह पे वो पहुंचेगा ठीक है इसीलिए ब्लड इज नॉन एज द कनेक्टिव टिश्यू और वो फ्लूड फॉर्म में है इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है सो so, अब ब्लड कंसिस्ट ऑफ क्या क्या ब्लड कंटेन करता है आर राइट इट कंसिस्ट ऑफ डब्ल्यू इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स हाँ ये तीनों तो पता लग गया ये तो तीनों सेल है जो कि ब्लड जिससे ब्लड बना है ठीक है अब ये तीन अगर सेल है तो वो तैर कहाँ पे रहा है For example, river है ठीक है वहां पे कोकोनट के जो सेल है ठीक है बाहर के सेल वो तैर रहे हैं ठीक है थीके? तो अगर रिवर नहीं होता तो क्या वो कोकोनट के सेल जो है शेल वो तैर पाते लाइक इन अ रिवर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते वो फ्लो नहीं हो पाते है कि नहीं तो ऐसे ही है हमारे ब्लड में भी एक चीज जिसके ऊपर ये सारे आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स एक्चुअली एक में तैयार रहे हैं, ठीक है थीके? और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा ठीक है सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यू एंड प्लेटलेट्स ठीक है तो अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने गोल गोल बनाया ये आरबीसी है ठीक है ये आर है और मैं छोटे छोटे ये बना रही हूँ ये फॉर एग्जाम्पल डब्लू है और मैं ऐसे कुछ करली वाला ऐसे बना रही हूँ करली ये प्लेटलेट्स है ठीक है तो जो ये व्हाइट पार्ट है नीचे का बैकग्राउंड है वो क्या है प्लाज्मा है ठीक है इफ दिस दिस काइंड ऑफ सेल आर आर बी सीस ऑल राइट इफ दिस स्मॉल आर डब्लू बी सीस एंड दिस करली वन आर प्लेटलेट्स द वाइट सरफेस इज द सबको समझ में आया होगा इतना तक आई है? अब बढ़ते हैं हार्ट की तरफ हमारा ब्लड हो चुका है ब्लड वेसल्स हो चुका है अब बढ़ते हैं हार्ट की तरफ ठीक है तो ब्लड भी क्या क्या कंसिस्ट करता है ये आपको पता चल चुका है ऑल राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड ठीक है तो देर आर टू डिजन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनादर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन अब आपको लगेगा कि ये दोनों का दोनों का मतलब क्या है पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे इसका मतलब बता देती हूँ इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होने वाला है यही खत्म होने वाला है इस इस जब मैं आपको ये चीज सिखाऊंगी उसके बाद से आप भूल जाओगे कि आपको इस पार्ट पे कोई डाउट भी था ठीक है सर्कुलेशन में आपको बताने वाली हूँ तो पहले क्या बनाऊंगी आई एम मेकिंग पिक्चर और लाइक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ओके स्केमेटिक स्ट्रक्चर आई एम नॉट मेकिंग द प्रॉपर वन बस ये स्केमेटिक स्ट्रक्चर है हार्ट का ठीक है तो अब मैं क्या करूंगी मैं हार्ट के पहले चैम्बर्स बनाऊंगी तो आप सबको तो हार्ट का चैम्बर्स क्या क्या है वो अभी तक थोड़ा पता होगा ही तो मेरे साथ बा बोलना ठीक है मैं जब जब पूछूंगी मैं जब जब बोलूंगी तब तब आप भी मेरे साथ बोलते रहना ठीक है सो फर्स्ट चैम्बर अगर मैं ऐसे आऊ वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ऐसे आऊ तो फर्स्ट मेरा चैम्बर जो है वो है आर ए आर ए का मतलब है राइट ऑरिकल ठीक है राइट आर आई जी एच टी राइट ऑरिकल ठीक है नौ नेक्स्ट वन इज आर वी दैट इज नॉन एज राइट वेंट्रिकल ठीक है राइट वेंट्रिकल्स ठीक है और इधर है लेफ्ट ओरिकल एल एल ए का मतलब है लेफ्ट ओरिकल एंड एल वी का मतलब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब आर ए आर वी एल ए एल वी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल अब आप पूछोगे मैम ये ऑरिकल क्या है ठीक है द अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट ऑल राइट दी आर नॉन इज द ऑरिकल एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट आर नॉन इज द वेंट्रिकल ठीक है अगर वो राइट right साइड में है तो राइट ऑरिकल लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट ऑरिकल ठीक है तो हमारे चाह के बेसिकली चार चैम्बर होते हैं अब मेन चीज है कि सर्कुलेशन कैसे होता है किस फॉर्मेट में होता है ठीक है तो हम लेंगे अपना बॉडी ठीक है ये हमारा बॉडी है बॉडी का हिस्सा है नीचे की तरफ अब हार्ट से ऊपर हमारा क्या होगा लंग्स राइट हार्ट के नीचे है बॉडी हार्ट के ऊपर है लंग्स ठीक है तो पहले स्टार्ट करते हैं डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड से ठीक है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से राइट डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से क्या होगा पहले कहा जाएगा राइट right? ऑरिकल में सो so ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो विथ चैम्बर इन विथ चैम्बर ऑफ द हार्ट द डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एंटर्स फर्स्ट ठीक है तो आंसर होगा राइट right? ऑरिकल ऑल राइट द हार्ट फर्स्ट एंटर द डीजेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर राइट को याद हो चुका होगा आई होप याद हो चुका है ठीक है अब दूसरा देखते हैं राइट ऑरिकल और राइट right वेंट्रिकल के बीच में भी ना बच्चे एक ओपनिंग होता है ठीक है एक स्विच होता है और इस स्विच को इस स्विच को हम वेल्ब बोलते हैं ठीक है थीके? और इस वेल्ब का नाम है ट्राई कस्पीड ट्राई कस्पीड वेल्ब हम इसको बोलते हैं ठीक है कस्पीड नाउ hmm. <clears throat> और ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में भी एक स्विच होते हैं या ओपनिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं बाईक कस्पीड बाई कस्पीड वेल्व ठीक है बाई कस्पीड वेल्व नाउ अब आप मुझे पूछोगे मैम इनको क्यों हम ट्राई का एंड बाई का बोलते हैं क्योंकि ये थ्री लेयर ऑफ मसल से बना है ट्राई का वाला और बाई का टू मसल्स लेयर से बने हैं ठीक है नाउ अगर आप ये वाली पिक्चर देखो ये जो है ये जो डार्क ब्लू वाला रीजन है ये है हमारा राइट ठीक है उससे मैच करना और ये जो नीचे वाला रीजन है ये है हमारा राइट वेंट्रिकल ठीक है और जो हमें ये, दिख रहा है, ये वाला ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है ऊपर से ये कुछ नहीं है ये बल्कि हमारा वेल्ब है ठीक है ये है वेल्ब दैट इज ट्राइक स्पीड वेल्ब ये है हमारा का स्पीड वेल ठीक है अब आते हैं लेफ्ट लेफ्ट और वेंट्रिकल की तरफ ठीक है सो पहले हम ब्लड के फ्लो जानते हैं नाउ आया ये ब्लड आया राइट ऑरिकल राइट ऑरिकल में ब्लड एंटर हुआ राइट सो राइट ऑरिकल से नाउ ब्लड विल गो टू राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइकस्पिड स्पीड वेल ठीक है पहला पहला क्या होगा फर्स्ट इज एंट्री एंट्री ऑफ ब्लड टू आर ए ठीक है अब ये ब्लड आर ए से कहा जाएगा अब ये ब्लड आर ए से कहा जाएगा सेकेंड इज सेकेंड इज एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम आर ए टू आर वी ठीक है सेकेंड वन इज एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम आर ए टू आर वी अब आर वी है डिरेक्टली कनेक्टेड टू आर वी डिरेक्टली कनेक्टेड होता है देखो आ, यहां से दिखा देती हूँ ठीक है आर वी डिरेक्टली कनेक्टेड होता है पल्मोनरी आर्ट्री से ठीक है पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको आरवी डायरेक्टली ये वाले पाइप से कनेक्ट होता है जो डायरेक्टली लंग्स के तरफ ब्लड को ले जाता है ठीक है पहले तो बॉडी से ब्लड आया कहां पे बच्चा पहले तो बॉडी से ब्लड आया राइट right ऑरिकल में राइट right ऑरिकल से ब्लड गया राइट right वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ फॉर प्यूरिफिकेशन ठीक है राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स की तरफ फॉर प्यूरिफिकेशन और लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं है, है कि नहीं और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के एल्व्यूलाई में होते हैं ठीक है थीके? और जो CO2 है ब्लड में वो जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्व्यूलाई को दे देते हैं और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट के तरफ फिर आ जाते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे एक कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि मैंने आपको बोला है हमेशा जब आर्टरीज और वीन जहाँ पे मिलते हैं उस जगह पे कैपिलेरीज बनते हैं है कि नहीं तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है जो ये ब्लड वेसल है ये कैपिलेरीज में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे छोटे छोटे तभी ये ऑक्सीजन को ले पाएगी और सीओ टू को वो दे पाएगी ठीक है और वापस यहाँ पे जब ऑक्सीजन कैरी करेगी ये ब्लड सीओ टू सारा दे चुकी है ये तो ये वापस क्या हार्ट की तरफ बढ़ेगी और कौन सा चैम्बर के हार्ट की तरफ बढ़ेगी लेफ्ट ऑरिकल के तरफ बढ़ेगी तो अगर क्वेश्चन आया आपको कि द लाइक वो विच इज द चैम्बर ऑफ द हार्ट इन विच द ऑक्सीज़नेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर द हार्ट ठीक है मैं एरो बना रही हूँ डिरेक्शन ऑफ ब्लड को दिखाने के लिए तो ये ये जा रहा है हार्ट के तरफ ये जा रहा है लंग्स के तरफ ये आ रहा है हार्ट के तरफ राइट अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वेल्व है जिसको मैंने बोला आपको बाइक स्पीड वेल्व राइट तो जो ब्लड हमारे अभी लेफ्ट ऑरिकल में एंटर हो चुके हैं ठीक है थीके, ये ब्लड अब क्या होगा ये बढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ठीक है लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा मेन आर्टरी से मास्टर आर्टरी से ठीक है जिसको हम बोलते हैं ओटा जिसको हम बोलते हैं ओटा ठीक है तो ये मास्टर आर्टरी क्या करता है यहां से मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके ये पूरे बॉडी में फैलाता है ठीक है पूरे बॉडी में ये फैलाता है तो अब हम इसको ऐसे बना देते हैं ठीक है ये ए, एक ही नहीं होता है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है और इस साइड भी बहुत ज्यादा ये फैले हुए होते हैं ठीक है और वापस सब कोई साथ में आके एक बनते हैं ठीक है अभी के लिए आई होप आपको ये सर्कुलेशन कैसे काम करता है वो पता चल चुका है सोनाओ सेकेंड so uh, है आर ए टू आर वी आर ए से आर वी गया तो फिर आर वी से कहा जाएगा लंग्स ये अगर आपको पता चल गया तो ये लिख लो ई साइड वाला जो मैं लिखा रही हूँ लिख रही हूँ वो लिख लो आर वी टू लंग्स ठीक है एंड फोर्थ right? है लंग्स टू एल ए राइट एंड फिफ्थ है फ्रॉम एल ए टू एल वी ठीक है एंड सिक्स्थ है फ्रॉम एल टू एटा आई थिंक दिस थिंग से बोलूंगी पहले क्या होगा एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी टू द ठीक है अब मैं इस जो ब्लड vessel से इसका नाम आपको बताते जाऊंगी फर्स्ट है जो ब्लड वेसल्स से ठीक है पूरे बॉडी से हार्ट तक ब्लड पहुंचता है उसको हम बोलते हैं वीना कावा ठीक है इसको हम बोलते हैं वीना कावा और नेक्स्ट है जो ब्लड वेसल से हार्ट से लंग्स तक ब्लड जाता है उसको हम बोलते हैं पल्मनेरी आर्टरी ठीक है और सिक्स है जिस ब्लड वेसल से लंग्स से हार्ट के तरफ ब्लड बढ़ता है उस ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं पल्मनेरी वेन ठीक है उस ब्लड ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन ठीक है vein, और जिस ब्लड वेसल्स से लाइक हार्ट like, uh, से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली रिसीव होता है ठीक है जो बॉडी के तरफ बढ़ता है उसको हम बोलते हैं औटा ऑल राइट एंडल्व यहाँ पे हमको मिलता है ट्राइक स्पीड वेल्व आर ए आर वी के बीच में और एल ए एन एल वी के बीच में हमें मिलता है बाइक स्पीड वेल्व ठीक है ये वेल्ब क्यों हमें बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड हम बोलते हैं क्योंकि इसका तीन मसल से बना है तीन फ्लैप मसल से और ये दो फ्लैप मसल से बना है तो ये कैसे काम करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आर ए में रा, राइट ऑरिकल में ब्लड बहुत भर चुका है तो वो क्या होगा ये तो एक फ्लिप मसल है तो वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो वहां से राइट ऑरिकल से ब्लड भरेगा राइट वेंट्रिकल के तरफ ठीक है लेकिन ये जो वेल्ब है वो वो बस एक ही साइड ऐसे खुल सकता है क्या दरवाजा दो साइड खुलते हैं नहीं राइट जिस साइड पे वो खुलते उसी साइड में ही खुलते हैं वो वैसे ही ये बस एक साइड में खुल सकता है म, इसका मतलब क्या है नीचे से अगर ब्लड प्रेशर दे तो ये बंद हो जाएगा ये नीचे से ऊपर ब्लड को नहीं आने देता प्लस ऊपर से नीचे को आने देता है नीचे से ऊपर में जब ब्लड यहाँ से फोर्स करेगा तो ये नहीं खुलेगा ठीक है सो so, एल uh, ए भी सेम वैसा है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी सेम वही मेकेनिज्म चलता है ठीक है तो अब हम प्रॉपर हार्ट के स्ट्रक्चर को जो है कनेक्ट करते हैं जो हमने अभी जो लर्न किया ठीक है वो हम प्रॉपर हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं बच्चे ये है राइट right ऑरिकल ये है राइट right वेंट्रिकल ये है ट्राइक स्पीड वेल्प राइट तो अब आप ही मुझे बताओगे कि ये है लेफ्ट ऑरिकल ये तो आपको पता चल गया होगा ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है और ये जो पिंक कलर का हमें दिख रहा है ये ये है हमारा बाइक स्पीड वेल्ब राइट ये है हमारा बाइक स्पीड वेल्व अब यहाँ पे थोड़ा लोचा हो जाता है क्योंकि जो डायग्राम यहाँ पे मैम ने आपको दिखाया है ये तो बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसकी वजह से आप बहुत इजीली ये चीज सीख पाए ठीक है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हार्ट में इतना इजी वे से ये सारे जो सिस्टम्स है वो नहीं लगे होते ये सारे ब्लड वेसल्स है वो नहीं लगे होते ठीक है जिससे बच्चों का कंफ्यूशन होता है इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हु पहले मैं सिंपलीफाइड डायग्राम सिखाती हूँ उसके बाद मैं ऐसे प्रॉपर

इस साइड पे ये वाला जहां पे मैंने अपने कर्जर को लाया है यहाँ पे राइट ये वाला थोड़ा डार्क रेड पोर्शन तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल से ठीक है डिरेक्टली हमारा ओटा कनेक्टेड है अंदर से मैंने यहाँ पे बाहर से ओटा का कनेक्शन बनाया है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से कनेक्ट होता है और ये ऑरिकल के पीछे होते हुए से निकलता है ठीक है सो तो देखो इससे डिरेक्टली ये जो ये ऑरिकल है ये अलग चैंबर है इसका कोई तुलना नहीं है देखो ये अल, अलग चैम्बर है राइट तो एकदम से ऑर्टा का कनेक्शन है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ठीक है तो यहां से अंदर से ही ये जो है ये ऑर्टा है देखो पीछे से ये है ये है ऑर्टा और ये जो सारे हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ऑर्टा क्या होगा डिवाइड होगा आर्टरीज़ में ठीक है ये है आर्टरीज में जो ऑर्टा डिवाइड होता है वो है ठीक है और ये है हमारा वीना कावा ठीक है ये है हमारा वीना कावा ठीक है सो आई होप इतना तक आपको पता चल चुका होगा कि एक्चुअली में होता क्या है ऑल राइट एक्चुअली में होता क्या है वो आपको यहां से थोड़ा पता चल गया होगा तो फिर से हम देखते हैं फिर से मैं बोल रही हूँ ये है राइट ऑरिकल यह है राइट वेंट्रिकल यह है वीना कावा यह है लेफ्ट ऑरिकल यह है लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है और यह है ओटा और यह है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी और यह है पल्मोनरी वेन राइट पल्मोनरी वेन देखो ब्लड ला रहा है लंग से यहाँ पे हमें ओपनिंग दिख रहे है छोटे है कि नहीं जो अंदर के साथ कनेक्टेड है ओके आई होप यू गॉट दिस थिंग ये सबको समझ में आया होगा किसको समझ में नहीं आया मुझे वो मुझे बोल देना प्लीज ठीक है एल ए अंडरस्टूड एवरी वन अंडरस्टूड राइट एवरी वन अंडरस्टूड सो मैंने आपको क्या दिखाया हार्ट है फिर क्या है लंग्स है फिर क्या है बॉडी है फिर क्या है इसके चार चैम्बर्स होते हैं राइट चार चैम्बर्स में राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सो बॉडी से पहले ब्लड आते हैं राइट ऑरिकल में राइट right ऑरिकल से ब्लड जाते हैं राइट वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से ब्लड जाते हैं लंग्स में लंग्स से ब्लड एंटर होते हैं राइट ऑरिकल में राइट right ऑरिकल से फिर ब्लड एंटर होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड आते हैं पूरे बॉडी में है कि नहीं तो ये जो सारे सिस्टम हमने देखा जो हमारा सिस्टम में जो सर्कुलेशन होता है वो दो बार साइकिल कर रहा है है कि नहीं ये है फर्स्ट साइकिल और ये है सेकंड साइकिल ठीक है तो ये फर्स्ट साइकिल सिंस ये लंग से रिलेटेड है इसीलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा वाला साइकिल को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन ठीक है और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं डबल सर्कुलेशन ये बस ह्यूमंस में ही होते हैं ये बस लाइक like, ये हमें ह्यूमंस में दिखते हैं लाइक like, बस ह्यूमंस में नहीं है लेकिन ये लाइक बेसिकली ह्यूमंस में हमें दिखते हैं डबल सर्कुलेशन या लाइक हायर ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं लेकिन जब हम रेप्टाइल्स देखेंगे फिशेस में देखेंगे उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो अलग होता है ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है ठीक है वर्टी में ये ज्यादातर होता है लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे रेप्टाइल्स फिश उसमें होता है उसमें सिंगल लाइक like, उसमें डबल साइकिल नहीं होता फिश में डायरेक्ट एक साइकिल होता है इज द रेप्टाइल्स एंड ऑल दे हैव थ्री हार्ट ठीक है रेप्टाइल्स के तीन चैम्बर वाले हार्ट होते हैं इसका मतलब जो अभी हमारा जो चार चैम्बर की वजह से ये जो हो रहा है दो साइकिल हो रहा है वो प्रोड्यूस नहीं वो नहीं होगा रेप्टाइल के केस में फीसेस का तो लाइक uh, like, uh, क्या होता है कि बस दो चैम्बर के हार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ विच देर इज ओनली सिंगल सर्कुलेशन ठीक है एक बार बॉडी से हार्ट में गया और हार्ट से गिल्स में गया गिल्स डायरेक्टली पूरा बॉडी में जाता है जैसे हमारे लंग से फिर हार्ट में आके फिर हार्ट से जा रहा है लेकिन फिशेस में ऐसा नहीं होता गिल्स से डायरेक्टली पूरा बॉडीज में जाता है ठीक है So, आज के लिए इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइक समझाऊंगी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो लाइक सर्कुलेशन कैसा होता है एक चीज तो और दूसरा तो मैं आपको लाइक पंपिंग एक्शन वाला भी समझाऊंगी डायस्टोलिक प्रेशर क्या है कार्डियक साइकिल क्या होता है ठीक है हमने तो अभी बस पड़ा ब्लड के फ्लो के पैटर्न लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है तब हार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या हार्ट के बाहर के हिस्से है हार्ट को देखने में कैसे होते हैं ठीक है थीके? और उससे किस किस जगह में प्रेशर पॉइंट करता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आज के क्लास में बस हमारा इतना मेरा इतना मोटिव था कि मेरे बच्चों को जैसे ब्लड फ्लो होता है जैसे सर्कुलेशन काम करता है वो पता लगा अगर आपको इस ये वीडियो देख के अगर आप सर्कुलेशन समझ गए हो डबल सर्कुलेशन आप बेसिकली अगर समझ गए हो और आपको क्लियर हो हो गया हो तो मैं सोचूंगी कि मैंने ये टॉपिक को जस्टिफाई किया अगर नहीं हो रहा है देन यू प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन आई विल बी क्लियरिंग यर डाउट आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच ऑल राइट एंड कीप फॉलोइंग मी कीप वॉचिंग मी बाय बाय थैंक यू सो मच